विराट को मिल चुका है दिग्गज बल्लेबाजी कोच का साथ, लेकिन क्या विराट कोहली बल्ले पर एक बार फिर से जमा पाएंगे अपना हाथ? नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्या और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। लंबे समय से विराट कोहली यहां पर फॉर्म से बाहर चल रहे हैं। पहले वर्ल्ड कप के बाद और उसके बाद यहां पर आईपीएल के बाद जो तमाम इंग्लैंड की सीरीज हुई, उम्मीद की जा रही थी कि विराट कोहली फॉर्म में वापस आएंगे। विराट कोहली के बल्ले से शतक का भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी के लिए तो ऐसा लग रहा है कि फॉर्म उनसे नदारद है। लेकिन अब विराट कोहली ने यहां पर एक ऐसा पैतरा आजमाया है जिसके बाद उनकी फॉर्म में वापसी लगभग तय मानी जा रही है। दरअसल यहां पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में विराट कोहली भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाजी कोच और आरसीबी के हेड कोच संजय बांगर के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं। पहले दिन की ट्रेनिंग में विराट कोहली ने 1.5 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बिताया और जिन भी गेंदबाजों ने वहां पर उन्हें गेंदबाजी की, इंडोर ट्रेनिंग थी, इंडोर ट्रेनिंग में जिन्होंने भी उन्हें गेंदबाजी की, सभी का कहना था कि विराट कोहली पहले से अच्छी टच में नजर आ रहे हैं। यहां पर विराट कोहली ने वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे की सीरीज से आराम लिया है और उसकी जगह अपनी ब्रेक से वापस आने के बाद अब वो यहां पर प्रैक्टिस के लिए संजय बांगर के साथ वापसी कर चुके हैं। अगर इंग्लैंड सीरीज की बात करें तो वहां पर विराट कोहली के बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं निकल रहे थे। टेस्ट मैच की बात हो या फिर T20 की, विराट कोहली का बल्ला लगातार शांत था। पूरे के पूरे इंग्लैंड दौरे पर 6 पारियों में विराट कोहली के बल्ले से कुल 76 रन ही निकले और इसमें अगर बात करें तो T20 के दौरान पहले मैच में विराट कोहली के बल्ले से 11 रन निकले तो वहीं दूसरे मैच में 1 रन, यानी कि 2 T20 जो विराट कोहली ने वहां पर खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड की सरजमी पर, महज 12 रन विराट कोहली के बल्ले से निकले। और अभी जो आने वाले 2 बड़े टूर्नामेंट है भारतीय टीम के लिहाज से, अगर देखें एशिया कप और T20 का वर्ल्ड कप, दोनों इसी फॉर्मेट में होना है जिस फॉर्मेट में लगातार विराट कोहली का बल्ला नहीं चल रहा है। हालांकि अगर करियर एवरेज की बात की जाए तो विराट कोहली का पूरा करियर एवरेज 50 के आसपास है तीनों ही फॉर्मेट में, लेकिन जो आखिरी शतक विराट कोहली ने यहां पर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ यहां पर 2019 में, उसके बाद अगर विराट कोहली के बल्लेबाजी की बात करें तो आखिरी शतक के बाद विराट कोहली ने कुल 68 मैच खेले हैं और यहां पर 35.4 की औसत के साथ 2554 रन बनाए हैं और ये 2554 रन कहीं ना कहीं विराट कोहली की जो प्रतिभा है उसके साथ न्याय नहीं करते हैं। और इस दौरान एक भी शतक विराट कोहली के बल्ले से नहीं आया है। हम सभी को उम्मीद है कि यहाँ पर जो नई ट्रेनिंग यहाँ पर शुरू की है जो पूर्व बल्लेबाजी कोच रह चुके हैं संजय बांगर के साथ, विराट कोहली के बल्लेबाजी में वो हुनर वापस आएगा। एक बात जो लगातार तमाम क्रिकेट पंडित विराट कोहली को लेकर यहाँ पर कह रहे थे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज है वहां पर विराट कोहली को जाना चाहिए था, क्योंकि बाकी की अगर टीमों से अगर उनकी तुलना करें जिम्बाब्वे की गेंदबाजी लाइनअप की तो उतनी मजबूत है नहीं और वहां पर अगर विराट कोहली रन बना लेते, वहां पर अगर विराट कोहली के बल्ले से रन निकलने शुरू हो जाते तो आने वाले वक्त में वो किसी भी गेंदबाजी अटैक के धज्जियां उड़ा सकते थे। क्योंकि फिलहाल के लिए विराट कोहली को वो 2 या 3 पारियां ही चाहिए जहां पर उनके बल्ले से रन निकले, क्योंकि उसके बाद विराट कोहली को रन बनाने से रोकना किसी भी गेंदबाजी अटैक के लिए आसान नहीं होने वाला है। और फिलहाल के लिए देखना यही है कि जिस तरह से यहां पर वो तैयारी कर रहे हैं, 28 तारीख को यहां पर पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में अब उनका अगला मैच होगा जहां पर वो अपनी चिर प्रतिद्वंदी गेंदबाजी अटैक के सामने उतरेंगे। और आपको बता दें कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में विराट कोहली ने अपना हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ ही बनाया था। वो 50 ओवर का मैच था लेकिन टूर्नामेंट एशिया कप ही था। अब देखना यही है कि जो एक नए इंटेंट के साथ विराट कोहली को हम देखना चाह रहे हैं, क्या वो विराट कोहली मैदान पर हमें दोबारा से दिखेंगे या नहीं।